अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या है ये समझा चुका हूँ डिटेल में। इतनी डिटेल में मैंने कभी नहीं समझाया किसी को पढ़ाया, लेकिन मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में मोल और एवोगाड्रो नंबर बता दिया। इतनी डिटेल की जरूरत वैसे थी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया था। अब जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आपकी किताब के, वो हम समझ रहे हैं। तो आपकी एग्जाम्पल 1.5 है, जिसके अंदर आपसे कहा है कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम गिवन है। सोडियम कितना? 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो आपके एग्जाम्पल 1.5 किताब में है, जिसमें कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अब सिर्फ ये लाइन एक गिवन है, एग्जाम में भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा बस, आपको और कोई डाटा नहीं गिवन। अब आपको डाटा पहले उस सवाल से निकालना है कि मुझे अगर सवाल में 40 ग्राम सोडियम बताया है तो इसका मतलब वो उसका मास इन ग्राम होगा। मास इन ग्राम को हम ग्राम मास भी कहते हैं। तो ग्राम मास ऑफ सोडियम इज 40 ग्राम्स, उसका सिंबल हमने कहा स्मॉल एम। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और वो आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करें, या इधर जो नेक्स्ट सवाल में मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सवाल में गिवन नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में सब आपको पढ़ाया है, चैप्टर वन के शुरू में भी ये सब आपको याद करवाया था, तो आपको ये याद खुद होना चाहिए। और जो चीज निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स, वो आप सिंबल उसका लिख के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब आपने सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे, फिर ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो निकालना है उसकी हेडिंग डालेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए उसकी हेडिंग डाली। आप नंबर ऑफ मोल्स का कहेंगे सिंस फॉर्मूला ये होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बराबर है ग्राम मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर फॉर्मूला मास है यानी फॉर्मूला यूनिट है तो फॉर्मूला मास। हमने अगर इसको ग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्ट इसको ग्राम मास मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर, क्योंकि एटम की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास यूज करेंगे वर्ड। तो आपके पास अब इसके सिंबल्स नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, ग्राम मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि एटम की बात हो रही है तो इधर एटॉमिक मास आएगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सोडियम क्लोराइड होता लेट सपोज, तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, फिर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते उस मॉलिक्यूल का। तो अभी हम इस कैटेगरी में, ये वाली जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इस कैटेगरी में हम सीख रहे हैं कि अगर किसी भी एटम का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने को आ जाए तो कैसे करेंगे। तो एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, मास इन ग्राम, दूसरा उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दें, ग्राम मास 40 ग्राम्स गिवन है, एटॉमिक मास 23 आपको याद है। वैल्यू पुट करें 40 डिवाइड बाय 23, 1.73 मोल। आपको मैंने यूनिट पढ़ाई थी, मोल की यूनिट MOL होती है, ई नहीं आता, ऑल्दो इसके पूरे जो वर्ड है उसमें एल ई आता है। तो आपके पास 1.73 मोल ये आंसर आ गया जो सवाल में कहा था, बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम में। अब अगर सोडियम 40 ग्राम जैसे गिवन है, मैं 40 के बजाय 80 ग्राम्स कर दूं, मैं 100 ग्राम्स कर दूं, 150, 200, 1000, कितने भी आप बढ़ा दें वैल्यूज, वो जो आपके पास वैल्यू बढ़ेगी, आपका मेथड, आपका फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। अब क्वेश्चन, आपके पास कोई भी ग्राम मास दे दिया जाए, मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं लेट सपोज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? इसी तरीके से सॉल्व करना है, वैल्यू चेंज होगी। जो भी एंड में आपका रिजल्ट आ रहा हैडिंग डाल के रिजल्ट की, वो बता देंगे, जिस तरह क्वेश्चन में पूछा है उसी तरीके से आप अपनी हेडिंग डाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम आर गिवन, इतने हैं। ये आपके पास एक चीज हो गई। नेक्स्ट, आपके पास एग्जाम्पल 1.6 पे बात कर रहे हैं। 1.6 के अंदर आपसे कहा है कि कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, या सिंपल कहा है उसमें कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वैल्यू किसकी है वो आपको मॉलिक्यूल बता दिया। अब सिर्फ सवाल गिवन है, डेटा कैसे निकालेंगे? आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, 4 मोल ये आपको गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों, क्योंकि एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होता है,
तो आप ए और ए तो नहीं लिखेंगे, अलग अलग मेंशन करना है। और हमने पीछे ये सीखा हुआ है कि जब हमें एटॉमिक मास के मालूम करना है, निकालना है एटॉमिक मास, जो हमने एटॉमिक मास होगा नहीं, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, हमने पीछे एटॉमिक मास की मदद से मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास निकालना सीखा हुआ है। तो उधर हमने यही तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो जो पीछे काम हमने सीखा था मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास निकालने का, वही सेम काम यहाँ पर भी आपको करना है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए 12 और 16। एंड में आपको, क्योंकि ना मालूम करने को कहा था, निकालने को कहा था कि ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग जिस तरह वो तरीकेकार समझाया वैसे ही होगा, मैंने एक ही मार्कर यूज किया। तो सोल्यूशन की हेडिंग डाल के पहला स्टेप मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब मॉलिक्यूलर मास हम पीछे निकालते थे, मोल्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास भी डाल सकते हैं हेडिंग, मोलर मास भी हेडिंग डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर मास है, कौन सा फॉर्मूला मास है। अब बैठ के ये थोड़ी देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कौन सा है और आपका कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास होता है, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, आपकी किताब ने ये सिखाया है। तो उसको मैंने आसान ये कर दिया कि आयनिक कंपाउंड हो या कोवलेंट कंपाउंड हो, यानी कि फॉर्मूला मास निकालना हो या आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, एक ही जुबान लिखे, दोनों में मोलर मास निकालना। तो हेडिंग भी हमने क्या डाली, मोलर मास। लेकिन जब मोलर मास की हेडिंग डालेंगे तो इसका मतलब ये कि आपको आंसर इन ग्राम्स देना है। तो यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। तो इनके एटॉमिक मास आपने लिखे 12 प्लस 2 ऑफ 16, ब्रैकेट में 16 मल्टीप्लाई करें, आपके पास 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम्स आंसर आ गया किसका, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पर मैं AMU लिखता तो मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास निकालना होता, ऑल दो आंसर सेम आएगा। उधर हमने AMU रख के सॉल्व किया है, उधर ग्राम ही रखा, यहाँ पर भी मैं ग्राम एटॉमिक मास लिख सकता था लेकिन जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास मोलर मास आ गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही वाला एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है ग्राम मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर या मोलर मास लिखने की जरूरत नहीं है। मोलर मास का मतलब क्या है, एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है और ग्राम फॉर्मूला मास भी हो सकता है। तो तीनों को हम कंसाइज करके कह रहे हैं मोलर मास। तो मोलर मास डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही है, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एन, क्योंकि हमने इनके सिंबल्स डाटा में बता दिए और जो सिंबल डाटा में नहीं बता सके जैसे मोलर मास का, वो उसके स्टेप में बता दिया। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करें, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एम इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन, वही चीज यहाँ पर लिख दी, वैल्यू पुट कर दें, एन आपको डाटा में 4 गिवन है, एम आपके पास अभी निकाला है 44 ग्राम्स, 44 ग्राम्स, 44 × 4 176 ग्राम्स, ये आपके पास आंसर आ गया मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो के 4 मोल्स के अंदर मौजूद है। एंड में आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के आंसर दे देंगे द मास इन ग्राम्स ब्रैकेट में, क्योंकि सवाल में इन ग्राम्स नहीं बोला लेकिन आपको पता है कि जो मास की बात हो रही है वो ग्राम मास की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द मास इन ग्राम्स ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 176 ग्राम्स, जो आपके पास ऊपर आंसर आया। तो ये सिंपल सा आपके पास मेथड है। ये दो टाइप अलग अलग आपने सीखी, पहली टाइप कि जब मेरे पास एटम के ग्राम्स गिवन हो, दूसरी टाइप वो वैसे की नहीं है, जब मेरे पास मॉलिक्यूल के ग्राम्स गिवन हो। अभी वो दूसरी टाइप इसकी मैं आगे करवाऊंगा, अभी नहीं करवाई अभी, क्योंकि किताब को हम सॉल्व कर रहे हैं, किताब को करने के बाद फिर मैं आपको टाइप वाइज भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो ये आपके पास दूसरी टाइप, तीसरी टाइप असूलन तीसरी टाइप है, वैसे दूसरी टाइप आप क्या सीख रहे हैं, क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मॉलिक्यूल के, तो आप पहले उस मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालेंगे फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी किताब का काम करवाया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के, और टाइप वाइज वो जब मैं करवाऊंगा तो आपके पास ये पूरे न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लें जिन्होंने नोट नहीं किया, फिर इसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ और फिर हमारे किताब के मोल्स रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि कितने मोल्स आपको चाहिए कि आप अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लें 40 ग्राम्स में से। तो 40 ग्राम्स में कितने मोल चाहिए होंगे वो आपको निकालना है।
अब 40 ग्राम में कितने मोल चाहिए का मतलब कि वो जो 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। इससे पहले जो सवाल करवाया सेम है, तो ये भी होगा। आपको डाटा में ज़ाहिर है डाटा खुद बनाना है, सवाल में सिर्फ आपको दो चीजें गिवन है कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और उसका ग्राम मास गिवन है विच इज 40 ग्राम्स। ये दो चीजें गिवन है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं गिवन। अटोमिक मासेस आपको खुद याद होने चाहिए हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के, दैट इज 1, 32 एंड 16 AMU रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, तो आपके पास मोल एन आगे क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा, सिंपल आपको मैंने मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास ये सब सिखाया हुआ है। तो जिस तरह मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास निकाला उसी तरीके से मोलर मास आएगा, बस फर्क ये है कि यहाँ पर एएमयू की जगह आप ग्राम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर मास जिस तरह निकाला उसी तरह मोलर मास निकालना ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 98 ग्राम्स, ये आंसर आया। एंड में आप जो चीज निकालनी है विच इज नंबर ऑफ मोल्स उसकी एडिंग डालेंगे, फॉर्मूला बताएंगे। अब तक ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम, वैल्यू पुट करें, ग्राम मास 40 गिवन है, मॉलिक्यूलर मोलर मास जो भी कहें, मोलर मास आपके पास 98 है। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आपके पास नंबर ऑफ मोल 0.408 मोल्स आ गए। अब 0.408 मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आपको वैसे मुझे होमवर्क देना चाहिए था लेकिन मैंने क्योंकि करवा दिया है। बहरहाल ये सवाल अब किताब के लिहाज से जितने भी मोल्स रिलेटेड क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवोगाड्रोस नंबर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?